देख सकते हैं बैकलाइट इसकी ऑन है। अभी जब हम पावर देते हैं तो क्या होता है देखेंगे। इसमें रिजोल्यूशन हमने वही रखा है जो इस पैनल के हिसाब से है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट की पोजीशन ऑन पोजीशन है, लेकिन पिक्चर नहीं बन रही है। ओके, लेकिन बैकलाइट ऑन है क्योंकि हमने यहाँ पर बैकलाइट टेबल पे ही रखा हुआ है पैनल को। सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं, तो हमारे वी इनपुट जो 12 वोल्ट है वो यहाँ पर 11.5 वोल्ट के करीब बन रहे हैं। इसके बाद दूसरा वोल्टेज हम यहाँ देखेंगे, वी डबल ए सप्लाई वो नहीं बन रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वी डबल ए सप्लाई यहाँ नहीं बन रही है। 3.3 वोल्ट देखेंगे, किसी भी हालत में बनते हैं, अगर जो गेट एरिया में प्रॉब्लम हो तो भी 3.3 वोल्ट हमारे बनते रहने चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं 3.3 वोल्ट तो बन रहे हैं। वी डबल ए सप्लाई जो 16-17 वोल्ट की आसपास होती है वो सप्लाई यहाँ पर नहीं बन रही। मतलब इसमें लेफ्ट साइड में भी चार कॉफ है गेट कॉफ, और इसमें राइट साइड में भी चार गेट कॉफ है। तो अगर जो हमें गेट एरिया का फॉल्ट है पता लगाना हो किसी एक एरिया का, तो हम क्या करेंगे, इस साइड की केबल को निकाल कर हाफ पिक्चर देखना है कि इस पे पिक्चर बनती है या नहीं। तो केबल को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, आधा रास्टर चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि इतने एरिया में पिक्चर बन रही है, और जहाँ पर ये ब्लैक हिस्सा दिख रहा है ये एक्चुअली कपड़ा है। सो इसके हिसाब से यहाँ पर इतना एरिया जो है कपड़े के वजह से पिक्चर नहीं है, लेकिन हाफ पिक्चर इसकी बिल्कुल ओके है और हाफ पिक्चर इसमें नहीं बन रही है बिकॉज हमने इस साइड की केबल को निकाल रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं दो साइड में गेट कॉफ है, और क्योंकि ये गेट लाइन लोड हो रही है तो यहाँ बाईपास का कोई मसला नहीं है। मतलब यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं पहुँच रहा ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई कॉफ खराब हो सकती है। लेकिन अगर जो मुझे बॉन्डिंग में ना जाना हो और यहाँ पे ही अभी काम पता ना हो, तो मेरे पास एक सुविधा है इसके अंदर। आप पूछोगे क्या सुविधा है, मेरी राइट साइड ओके है ना, पिक्चर आधी आप देख रहे होंगे कि आधी पिक्चर इसमें बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई भी कलर की डिस्टर्बेंस नहीं है, डिस्टॉर्शन नहीं है। हाफ पिक्चर क्योंकि हमने केबल निकाल रखी है गेट एरिया को डिस्कनेक्ट करते हुए, हम फिर से चेक कर लेंगे वो वोल्टेज यहाँ पर मल्टीमीटर को डीसी रेंज में रखते हुए। तो यहाँ पर 17 वोल्ट आ गए हैं और वीजीएच सप्लाई 24 वोल्ट के करीब बन चुके हैं। तो यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं है, जो गड़बड़ी है इस साइड है। पहले बता दूं दोनों साइड में गेट कॉफ है, देख सकते हैं गेट कॉफ है, चार गेट कॉफ जो वर्किंग है। लेफ्ट साइड में नॉन वर्किंग है, ठीक है, मतलब इसमें कुछ लोडिंग है। और मेरे थ्योरी के हिसाब से अगर जो लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है और इस गेट कॉफ को मैं निकाल दूं, लेकिन सप्लाई बंद होनी चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पावर ऑफ कर रखा है, और ये निकाल दूं मैं, पूरी की पूरी पिक्चर ओके हो सकती है। तो क्या हम करके देखें, आप कमेंट कीजिए मुझे, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको ये चीज़ करके दिखाए। आपको मैं बता देता हूँ, मैं जो टेम्परेचर रखने वाला हूँ 243 डिग्रीज, ठीक है, और एयर मेरी 5 के करीब की है। इतना इम्पोर्टेंट मैं टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ, तो आपका एक फ़र्ज बनता है कि लाइक के बटन को फटाफट दबाते जाइए। अभी हम ये पहली कॉफ निकाल रहे हैं, हीट करेंगे, और यहाँ पर इसके ऊपर जो ग्लू है उसको पहले निकाल देंगे, ठीक है, और उसके बाद आराम से इस कॉफ को ये पहली कॉफ हमने निकाल दी। अब दूसरी कॉफ निकालते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि डेरिंग वाला काम कर रहे हैं हम। अभी डायोड टेस्ट में हमने एवीडीडी सप्लाई, वीजीएच सप्लाई सब चेक कर चुके हैं, कोई हार्ड शॉर्टिंग नहीं है। तो ये दूसरी कॉफ हमने निकाल दी, अब तीसरी कॉफ निकाल रहे हैं, अब चौथी कॉफ लास्ट कॉफ है, इसे हम निकाल देंगे। ये एक काम कर दूं, तो यहां पर अभी हमने सभी गेट कॉफ को निकाल दिया। अब निकाल दी जो इसमें लगी हुई थी लेफ्ट साइड में, जो हमने चेक करने के बाद निकाली कि हमारी राइट साइड अभी ओके है। क्या ये राइट साइड की अब गेट कॉफ
पूरी पिक्चर बना पाएगी। ये चार गेट कॉक पे सस्पेंस पे से पर्दा उठने वाला है कुछ ही देर में। तो ऑन कर दी, पावर दे देते हैं मदरबोर्ड को और पूरी पिक्चर देख लेते हैं, क्या पूरी पिक्चर बन रही है या नहीं। तो यहाँ पर कुछ शॉर्टिंग दिख रही है हमें, जो कि 238.8 ओम्स की है। दोनों तरफ से देख लेते हैं, यस 238 ओम्स की है। सो इस शॉर्टिंग को अभी हम उधर भी चेक कर लेते हैं, पावर बंद करके इस बार चेक करेंगे क्या VGH VGL लाइन के बीच में इस साइड ओम्स बता रहे हैं। कंपैरेटिव ओम्स चेक करेंगे अभी, 8.28 मेगा ओम्स बता रहा है। केबल को कनेक्ट करके हम देख लेते हैं जो दोनों पॉइंट्स हम चेक कर रहे हैं वो सेम है या नहीं, परफेक्ट मिल जाएगा कि दिक्कत कहाँ पर है। तो यहाँ देख सकते हैं 287-298 ओम्स की वही शॉर्टिंग है, 248 ओम्स की है ना। तो क्लियर हो गया कि इस साइड में हमें VGH और VGL की लाइन को कट करना पड़ेगा। सिर्फ गेट कॉफ उठाने से काम नहीं बना, हमें ये लाइन को कट भी करना है, बिकॉज इस एरिया में ग्लास के अंदर भी जला हुआ है जिसकी कार्बन रेजिस्टेंस हमें यहाँ शो कर रहा है। तो हम ये दोनों लाइन को यहाँ से कट करेंगे, या तो हम इतने हिस्से की गेट जो एरिया है वो सोर्स कॉप से उठा दें। आप देख सकते हैं गेट एरिया कनेक्टेड है, तो जो भी शॉर्टिंग अगर जो ख़त्म हो गई है तो यहाँ दिखेगी हमें, जो मेगा ओम्स में शो कर रहा था वो हमें यहाँ दिखेगा। VGH और VGL के बीच की जो शॉर्टिंग है आप देख सकते हैं अभी ये कुछ किलो ओम्स की बन गई है, जो पहले हार्ड शॉर्टिंग थी वो अभी कम हो गई है। लेकिन इतनी कट करने से क्या पिक्चर बनती है या नहीं देखेंगे, अभी फिर से पावर देते हैं। आप देख सकते हैं पूरी इमेज बन चुकी है, जो प्रॉब्लम थी वो हमने सक्सेसफुली सॉल्व कर दी। जो हमने किया था वो भी मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर ऐसे नहीं कि बीच में कुछ लाइन रह गई है, कुछ प्रॉब्लम है, वैसा नहीं है, सब कुछ आपके सामने लाइव हो रहा है, सब कुछ सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं निशान दिख रहा है कटिंग का, यहाँ पर ये दोनों VGL और VGH है, VGH वाली मोटी लाइन है और VGL वाली पतली लाइन, जो गेट एरिया में ग्लास में कहीं जाके जला हुआ है। ग्लास क्योंकि यहाँ पर ब्लैक कोटेड है, पहले जमाने में क्या है यहाँ पर ब्लैक कोटिंग नहीं होती थी तो ट्रैक्स हमें जली हुई दिखती थी, यहाँ ब्लैक कोटिंग है तो हमें नज़र आई नहीं वो, ठीक है, ना ही कोई इतनी गर्मी हो रही थी। लेकिन हमने यहाँ इस एरिया का गेट कॉक जो है उसे तो निकाल दिया और पूरी पिक्चर बनने लगी। जितनी गेट एरिया थी वो सारी की सारी लेफ्ट साइड की हमने काट दी है। उसके बाद VGH और VGL के बीच में दोनों पॉइंट के बीच में 8.1 मेगा ओम्स हो गया है, जो कि शॉर्टिंग 238 ओम्स की थी। कंप्लीट पिक्चर, नो डिस्टॉर्शन। अब हम पूरी कटिंग बता देते हैं आपको, पहले हमने सिर्फ दो ट्रैक काटी थी और उसके बाद आप सारी की सारी ट्रैक काट दी है, गेट एरिया कट कर दिया, पहले सिर्फ हमने VGH VGL काटी थी, अब पूरी एरिया को काट दिया है। अभी सिर्फ हम अभी थोड़ी देर के लिए चेक करने के लिए देख रहे हैं, रेडी। सो अभी हम इसकी पूरी फिटिंग कर लेते हैं।